नैनपुर में लोकायुक्त ने राजस्व निरीक्षक योगेश्वर वरकड़े को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी के मुताबिक आरआई ने नामांकन करने के एवज में उसे रिश्वत मांगी थी। इसकी जानकारी फरियादी ने लोकायुक्त जबलपुर को दी। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पटवारी कार्यालय में आरआई वरकड़े और एक अन्य राजा शिवाश्री को रिश्वत लेते पकड़ा। मैं ग्राम जहरम का निवासी हूँ। आज जो कार्रवाई क्या हुई? जी सर, मैं आज की जो कार्रवाई थी पैसे देने वाली थी। इसके पहले भी मैं मिल चुका हूँ सर से। सर ने डिमांड जो की थी उसी का पैसा जमा करने आया। कितने की बस से डिमांड किए थे? डायवर्सन कितनी थी? डायवर्सन कर किसने मांगा था आपसे? वरकड़े सर। कितने पैसे दिए? 28,000। कितनी जमीन? 27 आ रही है। 27 आ रहे जमीन का? जी। तो उस शिकायत में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये इनके जो राजस्व निरीक्षक हैं योगेश वरकड़े, ये 30,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं आवेदन करने के लिए। इनकी सूचना की तस्दीक की गई और तस्दीक के बाद 14 चूँकि 28,000 रुपये देने का तय हुआ था, तो आज 28,000 रुपये देने का भी आए। इन्होंने अपने साथी अपने कार्यालय में ये पैसा इनसे बात करके अपने साथी राजा उर्फ योगेश जो इनके साथ हमेशा काम करते हैं को दिला और दर्शन से कराएंगे।